पहली बार इस साल एक नए इंपीरियल किंग का पिन निकला है। 2016 के बाद से फर्स्ट इंपीरियल किंग जो बने हैं वो है मिस्टर विकास घोष। एक बार घोष मुझे कुछ नहीं था। आज अगर कौरव जीत गए तो कर्म मुझे श्रेय मिले
का लांछन सिर्फ मिलेगा अपमान और सिर्फ मिलेगा अभिशाप। किसी का जिंदगी गुलाबों से फूलों से जैसा नहीं होता। हर किसी के जिंदगी में चुनौतियां होती है। युधिष्ठिर के जिंदगी में भी चुनौतियां था, दुर्योधन के जिंदगी में भी चुनौतियां थे, सबके जिंदगी में चुनौतियां होती है। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके साथ कितने अनुचितताएं हुई, कितना अपमान हुए, कितना बार वंचित किए गए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क चीज एक ही चीज से पड़ता है, आपने क्या किया। आप सही थे, आप सही थे नहीं, आपने धर्म का साथ दिया नहीं। जो धर्म के साथ रहेगा वही एंड तक जीतेगा। ये जीवन एक कुरुक्षेत्र है, एक जीवन एक कुरुक्षेत्र है। युद्ध में जो सच्चा रहेगा, आपके साथ आपके सीनियर ने क्या किया कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका बिजनेस में कितना दिन हुआ कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको सम्मान मिला कि नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, हम लोगों ने सिर्फ रिकॉग्निशन से जाकर ताली मारा, पिन नहीं मिला। लेकिन सपना क्या था? सपना था स्मार्ट कैलू का लीडर के देख के सपना पैदा हुआ कि एक अलग जिंदगी है, हम जहां पे खड़े होंगे बाकी लीडर से एक तरफ, हम एक तरफ, ऐसा एक सपना था। लेकिन दिन गुजरता गया, साल गुजरते गए, तब अंदर से टूटते गए। तब एक समय आया भगवान से बात किया कि शायद मुझे वो जिंदगी नहीं मिलेगा, शायद मुझे वो पहचान नहीं मिलेगा, शायद मुझे कोई पहचान आ गया नहीं, शायद मैं कभी प्राउड भर ही नहीं पाऊंगा। तब दिल से आवाज आया कि कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई मुझे पहचाने ना पहचाने, मैं करोड़पति बनू ना बनू, स्मार्ट वर्ल्ड में खो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पीछे बैठूंगा लेकिन दिल से एक चीज जानूंगा कि स्मार्ट वर्ल्ड में अगर सच्चा दिल वाला कोई हो हम दिल से जानना चाहिए। स्मार्ट वर्ल्ड में जिसका फ्लैट हो गया है वो यहाँ पे आके जय जय कर करेगा, वो मामूली बात है। स्मार्ट वर्ल्ड में 5 साल में करोड़पति यहाँ पे आके जय जय कर करेगा, वो मामूली बात है। 5 साल में कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी वहां पे बैठ कर दिल से बोलूंगा मरते दम तक स्मार्ट वर्ल्ड करना है। जिंदगी में स्मार्ट वर्ल्ड मिल जाए, जिंदगी में हम स्मार्ट वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो जाओ, सब कुछ सही है। मैं स्मार्ट वैल्यू इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 लिस्ट में है। मैं स्मार्ट वैल्यू इसलिए करता हूं क्योंकि स्मार्ट वैल्यू के लिए नंबर 1। कोई आके मुझे 300 दिखाता है और बोलता है स्मार्ट वैल्यू से बड़ा कंपनी हम लोगों का है, हो सकता है भाई वो तेरे लिए बड़ा कंपनी है, मैं भी सैल्यूट करता हूं, लेकिन मेरे लिए मेरा महा स्मार्ट वैल्यू है। एक बार ध्यानचंद को तानाशाह ने पूछा, मैंने ट्रेनिंग में सुना था, एक बार ध्यानचंद हॉकी का मास्टर उसको तानाशाह ने पूछा कि तुम्हारा देश ने तुम्हें क्या दिया, आज भी सूबेदार हो, हम लोगों का देश से आके खेलो, कहां से कहां पहुंचा दूंगा। जब देश का सवाल आया तब ध्यानचंद ने बोला अगर देश का सवाल आया, अगर खेलना ही है, मैं अपने देश से खेलूंगा क्योंकि मेरा देश का जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाना, मेरा जिम्मेदारी है मेरा देश को आगे बढ़ाना।
क्योंकि मन भटकाता है, मन उलझा हुआ है, इस मन में विवाद है, इस मन में द्वंद है, इस मन मायावी है। इसलिए कहते हैं इस मन में है द्वंद और इस मन में ही युद्ध है। इस मन में है द्वंद, इस मन में ही युद्ध है। युद्ध मतलब समझ रहे हैं हम लोग? कभी कभी फोकस्ड हो जाते हैं, कभी कभी डिफोकस्ड हो जाते हैं। इस मन में ही द्वंद है, इस मन में ही युद्ध है। और इस मन को चाहिए कौन? इस मन को चाहिए गुरु। इस मन में ही द्रोणाचार्य है, इस मन में ही कौन है? कृष्ण। इस मन ही कौन है दुर्योधन, इस मन ही कौन है पार्थ। और इस युद्ध में आपको समझना है क्या चीज है यथार्थ। इस युद्ध में अगर आपको जीतना है तो आपको यथार्थ काम करना पड़ेगा। यथार्थ मतलब जो बंगाली में कहते हैं यथार्थ, यथार्थ माने की एक्चुअल गुरु को पकड़ना है। अगर आप एक्चुअल गुरु को ना पकड़ पाएंगे तो आप भटके जाएंगे। एक तो गुरु चाहिए। स्मार्ट बेल को फोकस में रखिए, लेकिन प्लानिंग चाहिए। बहुत कोई होता है इसमें मोटिवेशन पे काम करते हैं, लेकिन प्लानिंग चाहिए। धर्म के रास्ते पे चलना है। धर्म के रास्ते में मतलब कोई कुछ भी करे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ क्या हो रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका नियत ही कैसा होगा जैसे आपका नियत होगा। और नियत को समझ, नियत को अगर सही रखना है तो एक गुरु चाहिए। समझ मारा? थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों।